ठीक है दोस्तों, लेके आया हूं द ऑल न्यू Redmi 9A स्मार्टफोन। ये इंडिया में हाल ही में लॉन्च हुआ था। सिर्फ 2 महीने में Redmi ने 4 Redmi 9 स्मार्टफोन्स लॉन्च किया है, ये बहुत इंप्रेसिव कहना चाहिए। Redmi 9A 2 वेरिएंट्स में मिलता है। 2GB 32GB की कीमत है सिर्फ 6,800 और 3GB और 32GB में भी मिलता है। और कलर्स के बारे में कहूं तो ग्रीन, ब्लू और ब्लैक कलर्स में मिलता है। दोस्तों ये है देश का नया स्मार्टफोन, तो चलिए अनबॉक्सिंग करके देखते हैं क्या ये देश का स्मार्टफोन बन सकती है या नहीं। लेकिन उसके पहले ये चीज बता दूं, इस फोन को पाने के लिए काफी मेहनत लगाया हूं, एटलीस्ट उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। पैकेजिंग बाकी सब रेडमी 9 सीरीज की तरह दिखती है। पीछे की तरफ जैसे आप देख सकते हैं 6.5 इंच डिस्प्ले, 5000mAh बैटरी, सिर्फ एक ही कैमरा मिल रहा है और मीडियाटेक हेलियो G25 चिपसेट भी है। बॉक्स को खोलते ही आपको Redmi 9A मिल रहा है। यह है ग्रीन कलर वेरिएंट। आपको यह भी बता दूं, ये 2GB वेरिएंट है मेरे पास जो है। फर्स्ट इंप्रेशन में काफी तगड़ी फोन लगा मुझे। ओवरऑल सॉलिड फील महसूस हो रहा है। आगे की तरफ ब्लैक कलर ही मिलता है एज यूजुअल। फोन को साइड में रखता हूं, चलिए और बाकी कंटेंट्स भी देखते हैं बाद में। एक कंटेनर, इसमें सिर्फ एक मैनुअल मिल रहा है और सिम इजेक्टर पिन भी मिल रहा है। बाद में स्टैंडर्ड पावर अडैप्टर और स्टैंडर्ड माइक्रो यूएसबी केबल। बस इतना है बॉक्स के अंदर। एज एक्सपेक्टेड प्रोटेक्टिव केस तोड़िए इसमें। फोन को बूट करते ही एक कंटेंट रिकमेंडेशन दिख रहा है। बूट करने के बाद मुझे पता चला MIUI 12 वर्जन चल रहा है ऑलरेडी, विच इज सरप्राइजिंग। ओवरऑल इंटरफेस सिमिलर ही लगा, यानी बाकी सब MIUI 12 फोन से कंपेयर किया तो ऑलमोस्ट सेम ही होना चाहिए। एप्स को देखा तो गूगल एप्स दिख रहा है, थर्ड पार्टी एप्स और गेम्स भी दिख रहा है, ये बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है। वाटर ड्रॉप नॉच मिल रहा है, अगर बेजल्स के बारे में कहूं तो पतले लगती है प्राइस के हिसाब से कहूं तो। अब तक फिजिकल LED नोटिफिकेशन लाइट नहीं देख पाया, दैट कंक्लूड्स इस फोन में फिजिकल LED नोटिफिकेशन लाइट नहीं है। बैक बॉडी के ऊपर एक टेक्सचर भी मिलता है, इट फील्स नाइस। इस तरफ देखा तो एक यूनिक डिजाइन भी मिल रहा है। ऑन द होल सॉलिड फील दे रहा है हाथ में। जैसे कि आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिल रहा है इस फोन में, सबसे बड़ी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप ट्रिपल कॉर्ड स्लॉट मिलती है, दोनों भी नैनो सिम कार्ड्स है, दोनों सिम्स भी वाईफाई कॉलिंग वोल्टी कॉलिंग सपोर्ट करना चाहिए। यह सरप्राइजिंग लगा मुझे कि वाटर टाइट सील लगा हुआ है सिम ट्रे के अंदर। इसकी डिस्प्ले साइज है 6.5 इंच HD प्लस IPS डिस्प्ले है। HD डिस्प्ले मिल रहा है इतनी कम कीमत होने के बाद भी, ये अप्रिशिएट करना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन में ऐसा कोई डिस्प्ले की प्रॉब्लम्स नोटिस किया नहीं, बिल्कुल डिसेंट लगा मुझे। काफी दिनों के बाद सिर्फ एक कैमरा स्मार्टफोन देख रहा हूं, थोड़ा अजीब लग रहा है। यह है 13 MP F2.2 अपर्चर कैमरा। आपको यह जरूर बताना है 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकेंड में भी शूट कर सकता है, दैट्स नाइस। आपको कैमरा सैंपल्स भी दिखा दूं। फ्रंट में 5 MP कैमरा और यह भी 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकेंड सपोर्ट करता है। हार्डवेयर के बारे में बात करूं तो इसमें है मीडियाटेक हेलियो G25। ये एक ऑक्टोकोर चिपसेट, बहुत ही एंट्री लेवल चिपसेट कहना चाहता हूं। 5000mAh बैटरी मिल रहा है। दिस ऑफिशियली मेक्स सभी Redmi 9 सीरीज स्मार्टफोन्स में 5000mAh बैटरी मिल चुका है। फेज अनलॉक डिसेंट कहना चाहता हूं, उतना तेजी से काम नहीं करता है लेकिन इट वर्क्स डिसेंट। लाउडस्पीकर भी डिसेंट लगा दोस्तों, प्राइस के हिसाब से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। तो यह है मेरे फर्स्ट इंप्रेशन। प्राइसिंग बहुत ही अग्रेसिव बोलना चाहता हूं। बिल्ड क्वालिटी सॉलिड लगा और कॉम्प्रोमाइजेस भी है, यानी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, सिर्फ एक रेयर कैमरा मिल रहा है। तो बस इतना है आज, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।